एम्फीबियर एम्बरियोलॉजी जेनरल कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट एम्फीबियन एग्स प्रोटेक्शन ऑफ एम्फीबियन एग्स एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एम्फीबियन द फर्स्ट वन एम्फीबियन एग्स स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अबाउट द एम्बरियोलॉजी ऑफ एम्फीबियन एम्बरियोलॉजी का मीन्स कि फर्टिलाइजेशन से लेकर आफ्टर फर्टिलाइजेशनगोट इज फॉर्मडोट से लेकर एक मकम्मल यंग वन बनने तक जो स्टेजस हैं दे आर एक्चुअली द डिवेलपमेंटल स्टेजस या उसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं एम्ब्रियनिक स्टेजज आर द एम्बरीओलॉजी सो एम्बरियोलॉजी का स्टार्ट होगा राइट फ्राम द फर्टिलाइजेशन फर्टिलइजेशन से ऑनवर्ड जो हो स्टार्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्स्ट ऐग है दैट इज एक्चुअली द जाइगोट जब फर्स्ट सेल जो है उसको हम जाइगोड भी कहते हैं या इसके अलावा फिर हम फर्टिलाइज ऐग का नाम देते हैं जो पहली चीज़ एम्ब्रियोलॉजी को या डेवलपमेंटल को स्टेज को इफेक्ट करेगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ़ एग एग का स्ट्रक्चर क्या है उसमें योग की अमाउंट कितनी है और वो किस तरह से उसके अंदर जाओ सेल डिवीजन प्रोसीड करेंगी तो अगर हम बात करें अबाउट द एम्फीबियन एग्स तो एम्फीबियन एग्स इच इज़ एक्चुअली द मिजोलैसीथल एग मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट हेयर सेल जो एग्स हैं नॉर्मली दे आर प्रेजेंट इन द जिलेटिनस मटेरियल्स फीमेल ले क्लच ऑफ एग्स क्लचेज ऑफ एग्स का मतलब ये है कि बहुत सारे एग्स एक ही दफा में ले किए जाते हैं और एग्स जो होते हैं वो आमतौर पर जिलेटनस मटीरियल के अंदर मौजूद होते हैं इफ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एग एग अगर स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मली द योक इज प्रेजेंट एट वन साइड वाइल द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एट अदर साइड इस तरह से एग के अंदर हमें दो पोर्शन नज़र आएंगे वन इज द एनिमल पोल एंड अदर वन इज द वेजिटल पोल एनिमल पोल इज हैविंग द साइटोप्लाज्म एंड वेजिटल पोल इज हैविंग द योक Here we have the structure of not structure but we are having the amphibian eggs. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये amphibian eggs जो है they are laid in the clutches. Clutches mean एक बहुत सारे eggs जो, जो है वो उसकी स्पॉनिंग होती है Female सारे एग्जे water में या moist place के ऊपर lay कर देती है यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं जो black dots हैं They are actually present number of eggs जो है वो हर egg के अंदर एक black dot आपको नजर आ रहा है तो बहुत सारे एग्ज़ जो है कट्ठे अपेरेंटली अगर आप देखें तो आपको एक ब्लैक डॉट ऊपर नजर आ रहा हो बाकी जो ये जिलेटनस मटेरियल जो है वो क्लियरली आपको विजेबल है हाउस एग्स आर प्रोटेक्टेड एग्स नॉर्मल बिकॉज दे आर लेड इन वाटर वाटर में ले किए जाते हैं वाटर में ही उनकी फर्टिलाइजेशन होगी वाटर में ही उनकी डिवेलपमेंट होगी तो इस तरह से नॉर्मली देर इज वेरी लिटल केयर ऑफ़ द एग्स एंड द डिवेल्पिंग एम्बरियो डिवेल्पिंग एम्बरीओ और एग्स की केयर जो होती है वो बहुत थोड़ी होती है इन मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस ये जो स्पेशली हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग फ्रॉग है कि ज़्यादा डेवलपमेंट लेकिन कुछ एम्फीबियंस फीबीन हैं जिसमें इंटरनल डेवलपमेंट भी होती है तो इंटरनल डेवलपमेंट के केस में जो है वो एग जो है उसको बॉडी के अंदर ही जो है वो रखा जाएगा सो फ्रॉग का एग जो है इट इज़ लेड आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी इसको ले, ले किया जाता है वाटर में ले होता है इसलिए इसकी केयर नॉर्मली बहुत कम होती है जो थोड़ी बहुत केयर है भी है वो इस रेफरेंस से है के मदर जो होती है क्या करती है कि उसमें से जो इन्फेक्शस एग्ज हैं उनको निकाल देती है इसके अलावा उनकी एरिएशन की जाती है और उनके जो है उसके बाद उनको वाटर के अंदर रखा जाता है ताकि जो उसमें से जो स्पॉय्ड एग्ज होंगे जो ख़राब होने वाले एग्स होंगे उनको बाहर अलग कर दिया जाए ताकि वाकि बाकी एग्स को ख़राब ना करें वो तो देर इज़ वेरी लिटल केयर ऑफ दी एग्ज़ अच्छा नेचुरली कुछ एग की प्रोटेक्शन मौजूद है नंबर वन एग का जो अपर एंड है जिसको हम एनिमल पोल बोलते हैं एनिमल पोल एक्चुअली एक्चुअली डार्कली पिगमेंटेड होता है सो डार्कली पिगमेंटेड होने की वजह से जो प्रीडेटर्स हैं वो predator, उसको प्रॉपरली लोकेट अगर ऊपर से जो मूव करता है वो प्रीडेटर जो है उसको वो नज़र नहीं आएंगे कि वेयर दे आर प्रेजेंट तो एग्स जो है उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि एग का जो अपर हाफ है वो डार्कली पिगमेंटेड है और ऊपर से जो चीज़ विजुलाइज करेगी उसको वो वाटर के साथ मिक्स मिक्सअप नज़र आएंगे उसको जो वो अलग से एग्स जो है वो लोकेट नहीं कर सकेगा वो तो एक किस किस्म की कीमोफ्लैच हो जाएगी केमोफ्लैच जो जा वो होगा ये नीचे की तरफ से जो एग्स हैं जैसे वो सारे वाटर जो बॉर्न एनिमल्स हैं अगर वो एग्स को खाना चाहें तो नीचे से जो एग होता है बिकॉज जोक इज़ प्रेजेंट थे लोअर एंड नीचे योक मौजूद होता है तो नीचे वाला पार्ट जो था वो लाइट को जो लाइट इन कलर होगा तो इसकी रीज़न ये होगी कि जब कोई चीज़ नीचे से एग्स को देखेगी तो वो स्काई के कलर के साथ वो इंटरमिंगल हो जाते हैं मिक्सअप हो जाते हैं तो इस तरह से उनको जो एग्स नीचे से कोई एनिमल एग को ऊपर देखेगा सरफेस के करीब चूँकि एग्स जो होते हैं दे आर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर तो जो एनिमल नीचे से नीचे से देखेगा तो उसको एग्ज़ जो है वो नज़र ही नहीं आएंगे बल्कि वो स्काई के कलर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो इस तरह से अपर साइड से अगर एग्स को देखा जाएगा तो वो जो वाटर बॉडी है उसके बॉटम के साथ डल कलर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं जिससे ऊपर से देखने वाला जो एनिमल है उसको एग्स नज़र नहीं आएंगे इस जो डाउनवर्ड से नीचे से एग्स को देखने की कोशिश करेगा वाटर बॉडी के अंदर से तो उसको इसलिए नजर नहीं आएंगे कि वो लाइट इन कलर होंगे स्काई के कलर के साथ वो मिक्स अप हो जाते हैं अच्छा जो डार्क कलर है इट है सम अदर बेनिफिट्स एज वेल डार्क कलर का एक बेनिफिट ये भी है कि डार्क कलर है इट एब्जॉर्ब हीट वैन इट विल एब्जॉर्ब हीट हीट एब्जॉर्ब करने से फिर क्या होगा कि जो डेवेल्पमेंटल हैं स्टेजेस हैं वो फर्दर प्रोसीड हो सकेंगी तो द हीट रिक्वायर्ड फॉर डेवेल्पमेंटल प्रोसेस इज एब्ज़ॉर्ब बाय द डार्क कल तो डार्क कलर कैमोफलाइज के काम भी कर रहा है उसके साथ हीट एब्जॉर्ब करके डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी प्रोसीड करवाएगा वाट आर द डिवेलपमेंटल स्टेजेस यहाँ हम एक ओवरव्यू अगर देखें तो राइट फ्राम जाइगोट जाइगोट के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी सेल डिवीजन के बाद हमारे पास मोरूला स्टेज आएगी मोरूला के बाद ब्लास्टोला स्टेज आएगी देन गैस्ट्रुलेशन होगी गैस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरुलेशन होती है और उसके बाद जो है एक टेडपोल भी जो है वो बन जाता है तो आमतौर तो पर गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है वो हम जो न्यूरोशन स्टेज होती है वो स्टेज जो उसका लार्वल स्टेज है उसके साथ ही जा वो बन जाती है आगे सो लार्वल स्टेज आमतौर पर जो लार्वल स्टेज है उसको हम टेडपोल लार्वा भी कहते हैं और उसके बाद हमारे पास द अडल्ट आ जाएगा तो नॉर्मली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्फीबियंस में डिवेलपमेंट का टाइम जो है वो वेरी करता है